नाम से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशाल। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फिर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें देखने वाले हाँ जी, पाकिस्तानी मुस्लिम आरिफ अजाकिया ने भगवद गीता पढ़कर छोड़ा इस्लाम, ऐसा कुछ भाई सईदा फलक के साथ उनका इंटरव्यू। देखते हैं भाई वो क्या बोलते हैं। प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, हमारा व्लॉग भी जाके जरूर देखना। हाँ जी, देख के बताना कैसा लगा भाई, सरप्राइज करना ज्यादा। देखते हैं आज के लिए चलिए। तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसे जन्नत में जानना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम है, कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का है, मुसलमान की नज़र में काफिर को तो मरना ही है। अब मैं ज़्यादा गद्दार हो गया हूँ क्योंकि अब मैं इनकी नज़र में काफिर भी हो गया हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो अब मैं काफिर हूँ इनकी नज़र में। गीता को कंपलसरी कर दिया जाएगा पूरे स्कूल्स में, जबकि कुरान नहीं पढ़ाएंगे, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे और गीता कंपलसरी करा देंगे, गीता पढ़ाएंगे, मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। Who are you? नहीं मुझे नहीं जानते, कुछ नहीं है आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों भगवद गीता ने बहुत से लोगों का जीवन सुखद और सरल बनाया है, और ऐसा ही कुछ इस पाकिस्तान के रहने वाले मुस्लिम के साथ हुआ। जब इन्होंने भगवद गीता को पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्हें भगवद गीता इतनी अच्छी लगी कि भगवद गीता को पढ़ते पढ़ते इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में आरिफ अजाकिया जी ने भगवद गीता को लेकर वो सारी बातें बताई हैं जिनसे वो प्रभावित हुए और भगवद गीता पढ़ने के बाद इस्लाम छोड़ दिया। वहीं दोस्तों सईदा फलक भगवद गीता का नाम सुनते ही लाल पीला हो गई, और सईदा फलक का इस बात का दर्द झलका की सभी भगवत गीता को पढ़ना इतना पसंद क्यों करते हैं जबकि कुरान को नहीं। तो दोस्तों वीडियो काफी शानदार होने वाला है इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो। अरे जी, मैंने अभी देखा आपके हाथ में रुद्राक्ष है, क्या वो रुद्राक्ष है और कुछ और है? ये रुद्राक्ष ही है, और मुझे एक दोस्त ने भेजी थी, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल मेरे पुरखों का धर्म हिंदुइज्म है, और मुझे किसी हिंदू दोस्त ने गीता भेजी। गीता की थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की तो मुझे ये पता चला कि गीता कहीं आपको पाबंद नहीं करता, आपको ओब्लाइज नहीं करता कि आप एक पर्टिकुलर गॉड की पूजा करें। गीता कहती है कि आपको जिस भगवान की पूजा करनी है करें, लेकिन गीता इज़ ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो मैंने उसकी तरफ जाना शुरू किया, उस स्टडी की तरफ, उस फिलोसॉफी ऑफ लाइफ की तरफ। तो मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं, जैसे कि मैं बीइंग मुसलमान, हमारा कुरान जो है वो टोटल राइट्स देता है मुसलमानों को। वो कहता है कि मुसलमान आर सुपीरियर देन एवरीवन, और इफ़ यू वांट टू हैव योर राइट्स इन लाइफ, आपके लिए इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। तो मैंने ये एक फ़र्क देखा कि गीता आपको पाबंद नहीं करती कि आप किसी एक धर्म की पूजा करें, गीता गिव्स यू ए फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो मैं उसकी तरफ हुआ, मैंने अपने आप को सनातनी कहना शुरू किया। एक दोस्त ने मुझे पूछा, मुझे बोला आपको क्या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझसे आप चाहते हैं? तो मैंने कहा मुझे रुद्राक्ष चाहिए। बोले वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि ये मुझे एक पहचान देती है कि मैं भी सनातनी हूँ। सनातन धर्म की बात भी करना, किसी को नमस्कार भी करना, तो हमें यह सिखाया जाता है कि तुम इस्लाम से खारिज हो गए, जन्नत तुम पे हराम हो गई। ये तो मुझे अब जाके ये चीज़ों का पता चलने लगा। तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसे जन्नत में जानना ही नहीं है जहाँ पे 24 घंटे दो काम हैं, कि आप शराब पीते रहो और हूरों के साथ बस लगे रहो, और कोई काम वहाँ पर नहीं है। तो ऐसी जन्नत में जाके हमें जाना ही नहीं है। और नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमान की खिदमत के लिए पैदा हुआ है, और वो जन्नत में नहीं जाएगा। और हमारी ड्यूटी लगाई गई है मुसलमानों की कि मैं सब नॉन मुस्लिम को मुसलमान बनाऊं, उनको कन्वर्जन उनका करूं और उनको कन्वर्ट करूं, ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है एज ए मुस्लिम। काफिर का तो हक ही नहीं है दुनिया में जीने का है, मुसलमान की नज़र में काफिर को तो मरना ही है, और उसको तो जन्नत में जाने का सोच भी नहीं सकता। ये मदरसे में पहली चीज़ सिखाई जाती है। अब मैं ज़्यादा गद्दार हो गया हूँ क्योंकि अब मैं इनकी नज़र में काफिर भी हो गया हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ तो अब मैं काफिर हूँ इनकी नज़र में। जबकि मुझे गीता की यही बात भी अच्छी लगी है कि भाई तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है, तुम सही करोगे तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा, तुम गलत करोगे तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका गलत फल मिलेगा। तुम किसी भी भगवान की पूजा करो,
इससे गीता को कोई गर्ज नहीं, इससे सनातन को कोई गर्ज नहीं। मैंने फिर फैसला किया कि मैं अगर मरने के बाद कोई दुनिया है तो उसमें वहाँ जाऊँगा जहाँ पे मेरे देश के लोग होंगे, मेजोरिटी लोग। क्या बात है। मुझे याद है कि मुझे बचपन में फख्र होता था कि महमूद गजनवी मेरा एक हीरो होता था, और मैं हमेशा कहता था कि देखो यार इसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, और फख्र महसूस करता था। ये तो मुझे अभी कुछ अरसे पहले यहाँ पे लंदन में ही जब पता चला कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे 17 हमले किए, तो सोमनाथ हमारे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो मैं बैठ के सोचने लगा। मैंने कहा जब ये हमला करता था तो वहाँ पे सारे लोगों को मारता था, वो कौन लोग थे? वो मेरे पुरखों के लोग थे। फिर वहाँ से औरतों को बच्चों को अगवा करके गुलाम बना के ले जाता था, और गजनी बगदाद दिमश्क की बाज़ारों में बेचता था। तो मैं सोचता था कि ये तो हमारे पुरखों के लोगों के साथ ये सब करता रहा, हमारे पुरखों की औरतों का बलात्कार होता था, हमारे पुरखों के खेत जलाए जाते थे, हमारे पुरखों के घर तोड़े जाते थे। तो मैं बैठ के अपने आप से इतना गिल्टी फील करने लगा, इतना मुझे शर्म आने लगी कि मैं अपने पुरखों को मारने वाले को हीरो मानता रहा हूँ आज तक। तो पाकिस्तान में तो हमें ये चीज़ सिखाई गई, ये बाजवे क्या है, सिख थे या हिंदू थे, चीमा क्या है, राजपूत क्या है। तो ये लाख अपने आप को अरब से जोड़ने की कोशिश करें, तुर्कों से जोड़ने की कोशिश करें, आफ्टर ऑल ये सब इंडियन हैं। और इनको जिस दिन ये समझ आ गई कि हमारा मातृ देश इंडिया है और इसके खिलाफ हम साजिश बंद करना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत तेज़ी से डेवलप करें। सैदा फलक जी, AIMIM से जुड़ी हुई जी, आपकी क्या राय? देखिए अब आई गीता की बात पर अगर हम आएंगे तो गीता एक होली बुक है, जरूर उसका सम्मान होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब कर्नाटका के स्कूल्स कॉलेजेस में हिजाब बैन की बात शुरू हुई तो सिर्फ हिजाब को बैन किया गया। सिर्फ हिजाब बैन करने से राइट टू इक्वालिटी खतरे में आ जाएगी, टोटालिटी नहीं रहेगी, दूसरे रिलीजियस सिंबल्स नहीं। और अब जब गुजरात गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि गीता को कंपलसरी कर दिया जाएगा पूरे स्कूल्स में, जबकि कुरान नहीं पढ़ाएंगे। अगर गीता पढ़ाना हो तो अच्छी बात है, पढ़ाओ, घर पर पढ़ाओ, मंदिर में पढ़ाओ, या कोई रिलीजियस स्कूल में पढ़ाओ जैसे हम कुरान मदरसों में पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे, बोलने दीजिए, मतलब हिजाब पहनने नहीं देंगे और गीता कंपलसरी करा देंगे, गीता पढ़ाएंगे, मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना। जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना वो। और ये बात बोल रहे थे कि चार हिंदुइज्म की सिर्फ एक ही होली बुक नहीं है, चार पांच है, चार पांच होंगे भाई, आपके भगवान भी तो कई है, कितने है मुझे पता नहीं। कोई तो बोलता है 33 मिलियन, 33 करोड़, 33। सैदा जी आप धीरे धीरे कंटेम्प्ट की टेरिटरी में जा रही हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ केवल, आपकी टोन जो है वो धीरे 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 कंटेम्प्ट की ओर बढ़ रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए ताकि यहाँ हम किसी और दिशा में बहस करने लगे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि चार पांच होली बुक होंगे तो भगवान भी तो कई है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक ही इतने भगवान है तो इनमें से कोई ये नहीं है वो नहीं है। और अरे भाई आपको किसने कहा आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी कीजिए, आपको कौन कह रहा है? Who are you? मैं गीता के बारे में। Who are you to comment on any religion? गीता पे आप लोग हाथ रख के खसम खाते हो ना, क्यों खाते हो? अरे आप लोग क्या होता है, आप लोग क्या होता है, आप लोग क्या होता है, ये क्या तरीका बात करने का? हिंदू गीता पर हाथ रख के आप लोग बात करते हैं, आप लोग खसम खाते हैं। रिलीजियस बुक है ना, सुनते के साथ ठोक सकते हो, अच्छी बुक है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सब पर नहीं ठोक सकते। नहीं मुझे जानते कुछ नहीं है आप, एक सेकंड को म्यूट कीजिए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये थी आज की वीडियो, तो भाई देखा ही आप सबने कि भाई वो जो लास्ट में एक लड़की थी ना, पता नहीं यार उनका नाम क्या, शायद सैदा फलक है उनका नाम, तो वो जो है ना मतलब एक डिसरिस्पेक्ट जो है एक रिलीजन की होती है ना वो कर रही थी, तो उन्होंने ये बोला है कि आप को कोई हक नहीं बनता कि आप किसी के भी रिलीजन को कुछ भी बोले। मैं तो यही बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में, मेरी कोशिश यही होती है कि हर जो मज़हब जितने भी इस दुनिया में पाए जाते हैं वो कोई भी हो, सबको ना अपने मज़हब से एक दिली होता है, बहुत प्यार होता है, तो चाहे वो हिंदुइज्म हो। अब वो उनको बोल रहे हैं कि आपके तो पता नहीं कितने भगवान हैं आप, ये है वो है, ये उनको बोल के ना मतलब डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही थी।
थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जब आप मतलब अपने मज़हब में हैं तो आपको आप चाहते हैं कि आपके मज़हब की रिस्पेक्ट की जाए, तो दूसरे अगले बंदे की भी मज़हब को रिस्पेक्ट दो, तो ही वो आपके मज़हब को रिस्पेक्ट देगा। अगर आप उसके मज़हब को रिस्पेक्ट नहीं अम्मी देते ना, तो फिर वो भी आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करेगा। अब जैसे मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा, ठीक है, मैं मतलब सुनती जाऊँ तो अगला बंदा पागल थोड़ी होगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं उसको कुछ सुनाऊंगी नहीं, मैं भी तो उसको आगे से सुनाऊंगी ना, उसको ऐसी बातें बोलूंगी जिससे वो हर्ट हो। तो इसी तरह से हर दोनों हाथों से मतलब हाँ ताली बजती है, कोई किसी पे इल्जाम बाजी या फिर इस तरह से करने की कोशिश ना ही करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और आरिफ जी ने बोला कि भाई जो है ना मतलब उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, उनको मतलब ये है कि जो है ना मतलब के इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, उसको मतलब मजहब को एक साइड पे अलग से रख कर ना जो है ना इन दोनों के तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि अगर फ़र्ज करें ये मज़हब को ही हमेशा बीच में लाते रहेंगे ना, तो कभी भी ये जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर इनको मतलब अपने रिलेशंस को ठीक करना है ना, तो ये पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बनाए, आपके आसपास आपने चाइना के साथ इतने अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप जो है इंडिया के साथ भी बनाओ। और उन्होंने बोला कि महमूद गज़नवी जो है वो एक मतलब मारता था लोगों को आके, वो एक अरब था, तो उसको मैं पहले हीरो, ऐसा ही होता भाई बचपन में, आप उनको नहीं पता होता, आप बुक्स में पढ़ते हो कि हमें जो बताया जाता है सिखाया जाता है ना, हम उसी को सच मानने लगते हैं, क्योंकि हमें तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमें समझ में आता जाता है कि भाई क्या असलियत है क्या। मुझे भी ऐसा बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हुआ करती थी ना, जब मैं अपनी बुक्स में पढ़ा करती थी, मुझे ऐसा ही था कि ये ऐसा है वैसा, लेकिन जब मैंने रियलिटी देखी तो एक बंदा को शौक एक किस्म का लगता है कि जो मैं सारी ज़िंदगी समझता रहा वो तो सच था ही नहीं, अब रियलिटी तो इसके बरक्स है, कुछ और है। तो ये बस नफ़रतें फैलाने के लिए बातें की जाती हैं, इसको नफ़रतों को कम करके मोहब्बत की अगर बात की जाए, पता नहीं क्यों तो मतलब मोहब्बत की बात की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। वही ना, पता नहीं क्यों लोग मोहब्बत की बात कम करते हैं और नफ़रत की बात को ज़्यादा मतलब एक तरजीह दी जाती है। अगर मोहब्बत को तरजीह दी जाए तो हम सब के जो आपस में गिले शिकवे हैं, मोहब्बतें हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है, और एक दूसरे को मारना और फिर काटना और पता नहीं क्या क्या करना, ये सब खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम और दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन हमारे दरमियान तो ये नफरतें कम हो जाएं, ये मोहब्बतें बढ़ जाएं, और जिंदगी तो फिर है ना, फिर ही मजा आएगा। पता नहीं वो कब आएगा, हमारी लाइफ होगी भी नहीं, पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन उस टाइम का इंतजार है जब हमारे रिलेशन आपसे मतलब हमारे हम तो आपको अच्छा ही समझते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के जो है ना वो आने जाने के रास्ते जो है वो खोल जाएं, तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कौन वीडियो में, थैंक यू।